तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज क्या है, ठीक है। तो जैसा इसका नाम से स्पष्ट है कि त्रि, त्रि का मतलब जो होता है यहाँ पर किससे, तीन से है, ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पे भुज, ठीक है। तो भुज का मतलब किससे है, भुज का मतलब होता है भुजा से, अर्थात ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, तीन भुजा होती हो, ठीक है, उसको हम त्रिभुज कहते हैं। अब हमने इतनी बात कही जितना इसका नाम है उसी से हमने बताया कि ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजा होती हो उसको हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो अब इस बात को अगर हम देखें तो तीन भुजा, तो एक दो तीन, अगर हम इस तरीके से बना दें तीन भुजा, ये भी तो तीन भुजा है, लेकिन ये आकृति क्या है, ये त्रिभुज थोड़े ना होगी, नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये त्रिभुज नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसी आकृति, बंद आकृति जिसमें तीन भुजा होती है वो त्रिभुज होती है, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से बनाएं कि बंद आकृति बनानी है, ठीक है, एक भुजा ये, दूसरी ये हो गई, और तीसरी आपकी क्या हो, ये हो गई, ठीक है। अब ये क्या है, आकृति बंद है, ठीक है। अगर ये बंद नहीं होती, जैसे कि ये वाली आकृति बना दी हमने, या कोई और भी बना देते हैं, अगर यहाँ से हमने इस तरीके से भी बना देती ये आकृति कि ऐसे ऐसे और ये ऐसे, तो क्या ये त्रिभुज हुई, नहीं हुई। तो त्रिभुज क्या हुआ कि ऐसी बंद आकृति, ठीक है, जिसकी क्या हुई, तीन भुजाएं हैं, ठीक है, उसको हमने क्या कहा, त्रिभुज कहा। अगर आप इंग्लिश में बात करें, अंग्रेजी में ट्राई एंगल, ट्राई का मतलब थ्री, मतलब तीन से, और एंगल का मतलब कौन से होता है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में बात एक ही है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिभुज जो है क्या होता है, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है एक बात आप ये देखिए कि जैसे त्रिभुज है, एक बिंदु इसका ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक है। तो मतलब ये बिंदु एक ही रेखा में नहीं है, अलग अलग रेखा में है। तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी ऐसन रेखीय तीन बिंदु जो हैं, अगर हो, मतलब असंरेखीय हो, अलग एक ही रेखा में मतलब ना हो, ठीक है, संरेखीय मतलब एक ही रेखा में, असंरेखीय तो मतलब क्या हो गया, अगर तीन बिंदु असंरेखीय हो तो उनको मिलाने से जो बंद आकृति है वो क्या है, आपकी त्रिभुज है। और एक बात और, त्रिभुज के लिए हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज होता है। क्या होता है, सबसे कम भुजा वाला वाला बहुभुज, ठीक है, जिसको बहुभुज, जो बहुभुज होता है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं, पॉलीगन, ठीक है। तो ये क्या होता है, सबसे कम भुजा वाला, क्योंकि बहुभुज का मतलब क्या होता है, बहु मतलब बहुवचन से है भुजा, मतलब जब भुजाएं जो है बहुवचन में हो, ए, जो है अधिक हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहां पर भुजा कितनी है आपकी, तीन है, लेकिन क्या होगा, ऐसी आकृति जो जो ये तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति है, ठीक है, ये बहुभुज हो गई, लेकिन अगर हम बात करें जो सबसे कम भुजा वाली आकृति है वो क्या होगी, यही होगी, क्योंकि अगर हम इसकी चतुर्भुज की बात करें तो ये भी बहुभुज होता है, लेकिन इसमें क्या होती है, भुजा चार आ जाती हैं, पंचभुज में पांच आ जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आप देखते हो कि सबसे कम भुजाओं वाला अगर बहुभुज की बात करें तो वो क्या होता है, आपसे पूछा जाए तो वो आप बताएंगे त्रिभुज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये भी बात पता लग गई है, ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं कि त्रिभुज में जो शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष त्रिभुज में जो ये बिंदु है, ये कॉर्नर्स हैं इसके, ठीक है, तो इन बिंदुओं को ही आपको कहते हैं शीर्ष कहते हैं, ठीक है। ये जो बिंदु हैं जिनसे मिलकर तीन तीन बिंदुओं को मिलाया हमने और हमारा त्रिभुज बना है, तो इन बिंदुओं को ही क्या कहते हैं, असंरेखीय बिंदुओं को ही शीर्ष कहते हैं। तो जैसे हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो शीर्ष कितने हुए आपके, तीन हुए, कितने हुए, तीन, कौन कौन से हुए, ए बी सी, क्लियर हो गई होगी इतनी बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं भुजाओं की, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, ठीक है। तो बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने से क्या हुआ, एक भुजा बन गई आपकी, तो एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं आपकी, ये भी तीन ही होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी है, अभी इस वाले जो इस जो ये संलग्न चित्र है, ठीक है, इस चित्र में अगर हम बात करें तो इसमें कौन सी भुजा होगी, ये इसमें ए बी हो गई आपकी, ए बी, ठीक है, बी सी और ए सी, ठीक है, ये तीन भुजा हो गई आपकी। अगर हम बात करें कोण की, त्रिभुज में कोण कितने होते हैं, त्रिभुज में कोण भी तीन होते हैं, कैसे, ये एक कोण हो गया आपका, ये दूसरा कोण हो गया और ये आपका तीसरा कोण हो गया, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिखिए, कभी भी कोण को लिखना हो तो पूरा कोण लिखें, मतलब कैसे, ये कोण अगर हम बात करें बी की तो क्या होगा, ए बी सी, उसको क्या है, कोण बी कहेंगे, जो कोण बी होगा वो ये वाला है क्योंकि हमारा, ठीक है, तो ए बी सी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ए की, कौन कौन ए की, तो ये होगा बी ए सी, और इस वाले की बात करते हैं तो ए सी बी, ठीक है। तो कौन कितने हुए आपके, तीन कौन हुए, कौन कौन से हुए, सबसे पहले एक कौन ए के बारे में, तो कौन बी ए सी,
जिस भी कोण के बारे में बताना होता है उसको बीच में ले आते हैं ए को, तो ए बीच में आ गया। तीसरा, क्योंकि बी और सी इन दोनों के मिलने से क्या है, ये ए बन रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बी की बात करें तो क्या होगा, कोण ए बी सी, और सी की अगर हम बात करें तो कोण ए सी बी। तो इस प्रकार आपके जो कोण हुए, तीन कोण हुए, आपको पता लग गए हैं। अब अंतः कोणों का योग, इन कोणों को अंतः कोण ही कहते हैं, ठीक है। जो ये अंदर के कोण हुए, बंद आकृति है और उसके अंदर जो कोण है उसको अंतः कोण कहते हैं, एक बात हो गई क्लियर। उसके बाद अंतः कोणों के योग की अगर हम बात करें तो कितना होता है वो भी बताते हैं हम। तो अंतः कोणों का योग मतलब कि कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB, ठीक है ना, तीनों कोणों को जोड़ दिया, योग की बात करें वो आपका होता है बराबर 180 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बहिष्कोण की। तो ये त्रिभुज में बहिष्कोण होता क्या है, तो सीधी सी बात है, इसमें त्रिभुज की किसी भी भुजा को अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, जैसे हमने इधर से बढ़ाया या इधर से बढ़ा दिया हमने, ये देखिए आप इधर से अगर हम बढ़ा देते हैं आगे जो है, ठीक है, तो जो ये कोण बनता है आपका, ठीक है, ये बाहर, ये तो अंत हो गया, और ये बाहर, जो ये बाहर वाला कोण है इसको हम क्या कहते हैं, बहिष्कोण कहते हैं, क्लियर हो गया इतनी बात। या फिर आप इसको यहाँ से बढ़ा कर देखते हैं, इधर से बढ़ा दिया हमने जो भुजा है इसको, इधर से बढ़ा दिया, तो ये जो कोण बना आपका ये क्या हुआ, बहिष्कोण हुआ। या फिर इस वाली भुजा को बढ़ा देते हैं, ठीक है, इधर से बढ़ा दिया हमने, अगर सपोज करो ऐसे, कैसे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इधर से भी बढ़ा सकते थे, तो ये जो कोण हुआ आपका क्या हुआ, ये बहिष्कोण हुआ, ठीक है। अब ये बहिष्कोण तो पता लग गया आपका क्या हुआ, अब इस जो बहिष्कोण होता है बराबर किसके होता है, अगर हमने कहा कि ये कोण बहिष्कोण है आपका, ये जो कोण एक है आपका, कोण इसको एक कह देते हैं सपोज करिए, ठीक है, तो ये जो कोण एक है, या फिर आप ऐसे करिए, इसको कोण एक कहिए, इसको कोण दो कहिए, इसको कोण तीन कहिए, ठीक है, और इसको कोण चार कह दीजिए। तो ये बहिष्कोण किसके बराबर होगा, ये कोण जो चार होगा ये बराबर होगा अंतः दो कोणों के योग के बराबर। अब ये अंतः दो कोण कौन से होंगे, इस वाली साइड, इस वाले कोण को छोड़कर इधर के जो दो कोण होंगे, मतलब इसके जो सामने वाले होंगे, ठीक है, मतलब कोण चार के सामने वाले, मतलब एक और दो, ठीक है, तो कोण चार बराबर क्या होगा, कोण एक प्लस कोण दो, ये बहिष्कोण होता है। अगर आप इधर की बात करें, भाई ये चार का हमने, इसको हम पाँच कह देते हैं, इसको छः कह देते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप। अब आपको समझना है बहिष्कोण होता क्या है, तो अब यहाँ पे चार का तो पता लग गया। अगर हम इधर से देखते हैं कोण पाँच, कोण पाँच किसके बराबर होगा, इसके सामने वाले देखिए अंतः कोण, ये दो और तीन, तो कोण दो प्लस कोण तीन के बराबर होगा, ठीक है, तो कोण पाँच जो है बराबर होगा कोण दो प्लस कोण तीन। इसी प्रकार से आप कोण छः भी कह सकते हैं, कोण छः किसके बराबर होगा, जो कोण छः होगा वो बराबर होगा किसके, इसके सामने वाले एक और दो, तो कोण एक प्लस कोण दो, क्लियर हो गई होगी इतनी बात। अच्छा, अब एक बात और, अगर हमें जैसे ये वाले कोण मालूम ही ना हो, इधर का एक कोण मालूम हो और बहिष्कोण निकालना हो, तो आप एक इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आप ये बताइए, सरल रेखा पर जो बन रहा है कोण पूरा का पूरा, ये कितना है, ये पूरा 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि ये कोण तीन, ये वाला कोण तीन प्लस ये कोण, क्योंकि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा जो है, ये मतलब पूरा का पूरे की बात कर रहे हैं, मतलब ये कोण तीन प्लस ये कोण चार, तो ये चूंकि कोण तीन प्लस कोण चार कितने का होगा, 180 का हो जाएगा, सरल रेखा है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 का हो जाएगा। अगर आपको कोण चार निकालना है तो कोण चार बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोण चार बराबर हो जाएगा 180 माइनस के कोण तीन, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब त्रिभुज में और क्या बात कर सकते हैं हम इसमें आगे, ये होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का जो योग होता है वो हमेशा बड़ा होता है तीसरी भुजा से, ठीक है, क्या होता है, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग का योग ये बड़ा होता है आपका किससे, तीसरी भुजा से, तीसरी भुजा से, ठीक है, कैसे, अब ये देखिए आप जो है इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, अब इसके बारे में हम आगे बताएंगे, या फिर ऐसा एक त्रिभुज है, आप ये देखिए सिर्फ कि ये त्रिभुज है, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है इसकी भुजा, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है, अगर ये 4 4 हैं उसको हम नाम दे दीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। आप कभी भी इन दो को जोड़ते हो, ठीक है, किसी भी दो को जोड़ लीजिए, ए बी प्लस बी सी कर लीजिए, ए बी प्लस बी सी कर लीजिए, ठीक है, तो ये 4 + 4 जो होगा वो कितना है, 8, तो ये क्या है, बड़ा है किससे, ए सी से, ठीक है, चौथी भुजा से, आपको समझ में आ गया होगा। आप कोई सी भी दो भुजाओं का योग ले लीजिए, इन दो का लोगे तो भी बड़ा आएगा, इन दो का लोगे तो भी बड़ा आएगा, आएगा नहीं आएगा,
ठीक है ना। तो किसी का भी लोगे, दो भुजाओं का जो योग होगा वो सदैव क्या होगा, बड़ा होगा तीसरी भुजा से। क्लियर हो गई बात। अब इसमें एक बात और है कि बड़े कोण के सामने की भुजा जो है सदैव बड़ी होती है त्रिभुज में, ठीक है। बड़े कोण के सामने की भुजा सदैव बड़ी होती है, सदैव बड़ी होती है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, बड़े कोण के सामने की भुजा सदैव बड़ी होती है। अब ये देखिए आप, यहां पर अगर कोई ये जो है आपका 120 डिग्री या 135 डिग्री बन रहा है, सपोज कर लीजिए, ये एक्यूरेट तो है नहीं, ठीक है ना, समझाने के उद्देश्य से। और ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। तो ये जो कोण है, ठीक है, और ये आपके कितने का भी मान लीजिए, ये छोटे कोण है इससे जो है, तो दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो बड़ा कोण है, इसके जो सामने की भुजा होगी, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये सामने वाली भुजा सदैव बड़ी होगी आपकी। आप देख भी सकते हो, बड़ी दिख रही है आपको, ये बड़ा कोण था तो ये वाली भुजा सबसे बड़ी है त्रिभुज में, ठीक है। तो बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है, सदैव बड़ी होती है, ठीक है। अब आइए इसमें नेक्स्ट जो है टॉपिक वो बात करते हैं उसकी। अब हम बात करते हैं त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो त्रिभुज के जो है दो प्रकार होते हैं, एक तो कोणों के आधार पर इसको हमने कैटेगराइज किया है, और भुजाओं की लंबाई के आधार पर, कोण और भुजा की लंबाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोणों के आधार पर। कोण मतलब आंतरिक जो कोण है उसके, ठीक है। तो आंतरिक कोणों की माप के आधार पर त्रिभुज के जो है तीन प्रकार होते हैं आपके, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज होता है, और अधिक कोण त्रिभुज होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम समकोण त्रिभुज को। तो अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, जो इसका एक कोण है वो क्या होगा, 90 डिग्री का। अब आप ये त्रिभुज देखिए, इसमें एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, तो ये क्या हुआ आपका, समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया कि एक कोण क्या हुआ आपका, वो बराबर होगा किसके, 90 डिग्री के, ठीक है, एक बात हो गई क्लियर। अब इसमें आपने देखा कि एक कोण 90 डिग्री है, बचे दो कोण क्या होंगे अब इसके, ये जो, क्योंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होगा वो क्या होता है, 180, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे बी जो है 90 डिग्री का है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री प्लस एंगल सी बराबर 180। तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा, 180 माइनस के 90 बराबर 90। इसका मतलब ये होगा कि बाकी के जो दो कोण हैं उनका योग क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। इसका और इसका जो योग होगा वो 90 का होगा। तो अब जब दो कोणों का योग 90 है, तो इसका मतलब जो है ये तो 90 से कम के ही हो गए भाई, ए और सी दोनों को मिलाकर 90 बन रहा है, तो इसका मतलब ये कम का होगा, चाहिए आप जो है इसको 80 का कह लो, एक को 10 का कह लो, ठीक है ना। मतलब क्या होंगे, मतलब यही है कि ये दोनों 90 से कम के होंगे। अभी हम जब अगला कोण पढ़ेंगे, ये समकोण त्रिभुज है आपका, आपने पहले कोण तो पढ़ ही रखे हैं, कि अब क्या होगा, जो 90 से कम होता है वो क्या होता है, न्यून कोण होता है, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये दोनों कोण जो होंगे न्यून कोण होंगे। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि इसमें एक कोण 90 डिग्री होगा, और जो दो कोण होंगे इसमें वो क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, न्यून कोण, ठीक है, एक बात क्लियर हो गई इसकी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो इसमें हम जानते हैं कि 90 डिग्री जो होती है समकोण त्रिभुज के अंदर, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है आपकी, कर्ण होती है। क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। और इसमें जो है ये जो लंब है 90 डिग्री है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये लंब होता है आपका, लंब, और ये नीचे ये जो होता है बेस होता है, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। और आप एक बात और जानते हैं कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय भी लगती है, ठीक है। अब ये पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगती है, क्या होती है इसमें, इसमें ये होता है, जो कर्ण होता है इसका स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, और इसमें हम एक बात और बताते हैं आपको, इस त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, आयताकार त्रिभुज भी कहते हैं, आयताकार त्रिभुज। अब वो कैसे कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये आयत होता है, जैसे
ये एक आयत है, सपोज कर लीजिए आयत है, ठीक है। और जो है यहाँ पे इसका डायगोनल ये आपका विकर्ण है, ठीक है। आप जानते हैं आयत में जो बना कोण होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये कोण 90 डिग्री, तो ये क्या बन गया आपका, समकोण त्रिभुज बन गया ना, बन गया इसमें। तो इसलिए इसको आयताकार त्रिभुज भी कहते हैं, क्योंकि आयत में बने त्रिभुज समकोण त्रिभुज होते हैं, तो इसलिए समकोण त्रिभुज को आयताकार त्रिभुज भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अब इसमें एक बात और देखिए, जैसे कर्ण पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें एक जो युग्म है जैसे 3, 4, 5, ठीक है। अगर किसी त्रिभुज में ये भुजाएं इस तरीके से हैं, तो ये युग्म जो है पाइथागोरस प्रमेय को रिप्रेजेंट करेगा आपका, जैसे कि आपका 3, 4, 5। और एक बात और कि यहाँ पे इसने कहा ये न्यून कोण है और ये 90 डिग्री, इसका मतलब सबसे बड़ा कोण इस त्रिभुज में कौन सा हुआ, 90 डिग्री वाला कोण। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। और त्रिभुज में अभी अभी हमने बताया कि सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो आप कह सकते हो इसमें क्या है कि कर्ण जो होती है, कर्ण क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। क्योंकि क्यों होती है ये पता लग गया, क्योंकि 90 डिग्री का कोण समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़े कोण की सामने वाली भुजा क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो 90 डिग्री की सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। और एक यहाँ पे हमको पता लग गया कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और अगर आपकी भुजाएं इस तरीके से दे रखी हो कि ये आपकी 5 क्या होगी, ये होगी, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा देंगे, ठीक है। ये 3 होगी, ये 4 हो गई सपोज करिए, ठीक है। तो ये जो 5 का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर के। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, और 5 का स्क्वायर क्या है, 25 आया। तो जो ये 3, 4, 5 वाला युग्म है ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का है आपका, ठीक है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के लिए है, ठीक है। अब हमें समकोण त्रिभुज को अच्छी तरह से क्लियर हो गया, पूरा बेसिक इसमें बता दिया आपको कि कितने का कोण होता है, क्या क्या चीजें होती, क्या क्या होता है इसमें, सब बता दिया। अब हम बात करते हैं दूसरा त्रिभुज की कोण के आधार पर, आंतरिक कोण के आधार पर दूसरे त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यून कोण त्रिभुज की। अब न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज में आपका होता क्या है कि प्रत्येक जो कोण होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण, मतलब समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का था, एक की बात थी, और यहाँ पे प्रत्येक कोण क्या 90 डिग्री से कम का होगा। जैसे कोण ए की बात करें, लिखा हुआ है 90 से कम है, छोटा है 90 से, बी भी 90 से कम है, और आपका जो सी है वो भी 90 से कम है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक कोण जो है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, 90 से कम है, ठीक है, 90 से कम। क्लियर है, इतनी बात ये हो गई। और साथ साथ इसमें एक बात और है कि अगर यहाँ पर हमारा जो है ये त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें कोण क्या होंगे 90 से कम, हमने ले लिए कि इसको हमने ले लिया 75 ले लिया, इसको हमने ले लिया 70 ले लिया, और इसको हमने 35 ले लिया। हमने सपोज करिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, सारे कोण 90 से कम है, ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया है, ठीक है। अगर हमें इस बड़े कोण के सामने की वाली भुजा सी है, सी क्या है, बड़े कोण के सामने की भुजा, बड़े कोण के सामने की भुजा, की भुजा, ठीक है। और जो आपका ये सी है और ये ए और बी है, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। और ए और बी क्या है, अन्य भुजाएं हैं त्रिभुज की, अन्य भुजाएं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, न्यून कोण के केस में क्या होगा आपका, ये जो सी ए का स्क्वायर अगर हम करेंगे प्लस बी का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, वो बड़ा होगा किसके, सी के स्क्वायर से, ये होगा आपका इसमें, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज की। तो ये अधिक कोण त्रिभुज होता है, ये क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इंग्लिश में इसको ये बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसका एक कोण जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक की बात है, तो एक कोण जो है 90 डिग्री से अधिक का होगा। जैसे एक कोण पहले वाले में समकोण था, यहाँ पे अधिक कोण में क्या होगा, एक कोण क्या होगा, ये बड़ा होगा किससे, 90 डिग्री से, ये, ठीक है। और इसमें भी अगर हम बात करें कि अगर हमारा जो है अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण हम 90 डिग्री से अधिक कर देते हैं, ऐसे ये है इस तरीके से, और ये आपकी ए है, ये बी है, और ये बड़ा कोण जो है आपका, सपोज करिए कितने भी एंगल का हो, जैसे 110 का ले लेते हैं, और ये आपकी सी है, तो सी जो है बड़े कोण के सामने की भुजा है। तो यहाँ वाले केस में क्या होगा, ए का स्क्वायर अगर हम करते हैं प्लस बी का स्क्वायर करते हैं और सी का स्क्वायर, तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये छोटा होगा सी के स्क्वायर के, सी का स्क्वायर इसमें बड़ा हो जाएगा, ठीक।
ठीक है, सी का स्क्वायर इसमें बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट करते हैं। दूसरे नंबर का होता है इसमें प्रकार जो होता है वो भुजाओं की लंबाई के आधार का होता है। ठीक है, हमने कोण के आधार पर तो पढ़ लिया, तीन होते हैं वे भी, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण त्रिभुज। अब हम भुजाओं की लंबाई के आधार पर पढ़ते हैं बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें समबाहु त्रिभुज है, सम द्विबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, लंबाई के आधार पर तो समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या होता है समबाहु त्रिभुज? जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, सम का मतलब क्या है? समान, और बाहु का मतलब क्या होगा? भुजा। समान और बाहु मतलब भुजा। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी जो भुजाएं हैं वो क्या है? समान है। अब आप इस त्रिभुज में देखिए, ए, ये बी, ये सी, आपकी यहाँ पे भुजा क्या होगी? समान होगी। एक, दो, तीन, ये तीनों की तीनों भुजाएं क्या है? समान है। मतलब क्या हुआ? ए बी जो है वो बराबर है बी सी के और बराबर है ए सी के, मतलब तीनों की तीनों क्या है? भुजा समान है। अच्छा, अब हमने अभी पढ़ा था कि समान भुजा के जो है सामने के कोण क्या, आमने सामने के कोण क्या होंगे? समान होंगे। अब ये कोण क्या होंगे? जब ये सारी समान है तो ये सारे कोण क्या होंगे? समान होंगे। मतलब क्या होगा कि कोण ए बी सी, ए बी सी का मतलब ये वाला कोण, वो बराबर होगा किसके? कोण ए सी बी के, ए सी बी के, और वो बराबर किसके होगा? बी ए सी, कौन? बी ए सी, क्योंकि ए कौन को कैसे लिखेंगे? बी ए सी, ए को बीच में ले आएंगे, बी को लिखना होगा, तो ए बी सी। इस तरीके से हमने जो है बता लग गया आपको कि यहाँ पर तीनों कौन क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, अभी हमने इसको एक बात हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। मतलब अगर हम करते हैं कि कौन ए बी सी प्लस कौन ए सी बी प्लस कौन बी ए सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि हम तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है आपका? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर हम इनको मान लेते हैं कि ये x है, क्योंकि ये तो तीनों बराबर है ना, तो बराबर में हमने x मान लिया। ठीक है, तो x प्लस x प्लस x, क्योंकि तीनों x हो गए, ये वाला कोण भी, ये वाला कोण भी, ये कोण, ये कोण, ये कोण, x हो गए बराबर 180 डिग्री। तो x और x x 3x हो गए, x को तीन बार जोड़ दिया 3x बराबर 180। तो x बराबर क्या आ गया? 180/3, काट दीजिए 6, तो 3×6 18 60 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? x का मान 60 आ गया, तो इसका मतलब ये भी कौन 60 डिग्री का, ये भी कौन 60 डिग्री का और ये भी कौन 60 डिग्री का। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे संभव त्रिभुज में जो एक कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, तो ये 60 डिग्री की आप बता सकते हैं, प्रत्येक कोण यहाँ पे 60 डिग्री का होता है, क्योंकि क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो आप 60 डिग्री का कह सकते हो, क्योंकि तीनों को योग करोगे तो कितना आ जाएगा? 180। कैसे निकाला? बता दिया मैंने, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, ये भी आपको पता लग गया। क्लियर हो गया? तो समबाहु नाम से स्पष्ट है, सम का मतलब समान, बाहु का मतलब भुजा। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए इनके नाम से, हर चीज का मैं नाम से बता देता हूं मैक्सिमम, कि नाम से याद रहता है हमेशा जो है। अब हम बात करते हैं इसमें दूसरा प्रकार इसी कई भुजाओं की लंबाई के आधार पर, पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा सम द्विबाहु त्रिभुज। तो इसके भी नाम से स्पष्ट है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब, द्वि का मतलब क्या होगा? दो से, और बाहु का मतलब क्या होगा? भुजा से। ठीक है, ये सम समान हो गया, द्वि, द्वि का मतलब दो, और बाहु का मतलब क्या हुआ? भुजा, बाहु जो हो गई भुजा हो गया, भुजा हो गया ये आपका ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या हो? समान हो। समान दो भुजा मतलब दो भुजा क्या हो? समान हो, उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो ये त्रिभुज है ए बी सी, तो इसकी हमने क्या कहा? दो भुजा समान कह दी, ये भुजा इसके बराबर है, मतलब ए बी जो है वो बराबर है किसके? ए सी के, और तो दो भुजा समान है, इसका मतलब क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब आप एक बात और जानते हैं कि जब ये दो भुजा समान है तो ये क्या होंगे? समान भुजा के सामने के कोण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। हम जानते हैं समान भुजा के सामने के कोण, तो ये दो भुजा समान है, इसके सामने का कोण ये हुआ, इसके सामने का कोण ये हुआ, इसका मतलब क्या होगा? कोण ए बी सी, ए बी सी कौन सा कोण हुआ? ए बी सी ये वाला, वो बराबर होगा कोण ए सी बी इस वाले कोण के। क्लियर हो गई इतनी बात जो है? ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे आपके? तो अब जो इसका तीसरा प्रकार होता है वो क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर। ठीक है, इसको स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? जो तीनों भुजाएं होती है वो क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, ये विषमबाहु त्रिभुज होता है।
ठीक है। अब आप देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा तीनों अलग अलग हैं, ये बराबर तो नहीं है, तो यही क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है। अच्छा, जब तुम्हारी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो तीनों कौन क्या होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सामने के कौन बराबर होते हैं, लेकिन जब भुजाएं समान नहीं है तो ये क्या होंगे, कौन भी बराबर नहीं होंगे। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे ए बी जो है वो बराबर नहीं है किसके, बी सी के, बराबर नहीं है किसके, ए सी के। इसलिए आप कह सकते हो कि जो कौन आपका ए बी सी बराबर नहीं है, कौन किसके, ए बी सी ये वाला हुआ, कौन बी सी ए वो ये वाला कौन हो गया, और बराबर नहीं है किसके, कौन सी ए बी के, कौन सी ए बी के, ठीक है। इसको हम कौन एक, कौन दो, कौन दी तीन हमने मान रखा था। आप ये भी कह सकते हैं कि कौन एक बराबर नहीं है, कौन दो बराबर नहीं है, कौन तीन के। तो विषमबाहु त्रिभुज आपको पता लगेगा कि मेरे सारी भुजा क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है, समान नहीं होंगी इसमें, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक है इसमें कि समरूप तथा सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, ये बात करते हैं। समरूप का मतलब इंग्लिश में सिमिलर होता है, सिमिलर बोलते हैं इसको, एंड सर्वांगसम जो होता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो है त्रिभुज, ठीक है, सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। समरूप त्रिभुज सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, तो समरूप का मतलब जो है रूप का मतलब रूप में समान, ठीक है। ये सम का मतलब समान, रूप मतलब रूप में क्या होगा, समान होगा, अर्थात आकृति में जो है समान होगा। किसकी बात हुई, सिर्फ आकृति की बात हुई, ठीक है, आकृति में तो समान होगा लेकिन आकार में समान हो नहीं हो, ठीक है। तो अभी हम बात करें कि आकार में समान नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब किसी की आकृति अगर समान रखनी है तो उसके कोण तो ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है, तो इसमें अगर हमें आकृति समान रखनी है, क्योंकि आकृति समान है तभी समरूप है, ठीक है, तो क्या होगा, आपको कोण को क्या है, समान रखना होगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, संगत कोण क्या होते हैं, पहले संगत कोण समझ लीजिए, ये जो कोण ए है, ठीक है, और ये जो कोण पी है, ये क्या है, आपस में संगत कोण है, ठीक है। इसी तरीके से जो कोण बी है 30 डिग्री का, ठीक है, ये जो कोण क्यू है, ये संगत कोण है, ठीक है। तो कोण ए जो है, आप यहां देख लीजिए कि जो कोण ए है बराबर है कोण पी के, एक बात हो गई, ये संगत बता रहे हैं, ठीक है। कोण बी बराबर क्या होगा, कोण बी जो होगा वो बराबर होगा कोण क्यू के, और आपका तीसरा क्या है, कोण सी जो होगा, कोण सी बराबर कोण आर के, ठीक है। तो ये आपका क्या बता रहे हैं, संगत कोण, ठीक है। तो संगत कोण अगर आपके बराबर है तो आप कह सकते हैं समरूप त्रिभुज है, ठीक है। अगर हमने संगत कोण को बराबर नहीं रखा, अब ये सपोज करिए ये तो 30 डिग्री का है, ठीक है, मैं ये कहता हूँ ये बी जो है बराबर नहीं है, क्योंकि किस वाले केस में, कि ये तो 30 डिग्री का है, इसको हम 90 डिग्री कर देते हैं। तो अगर हम इसको 90 डिग्री कर देते हैं तो ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, देखिए ये क्यू आर है आपकी, ठीक है ना, ये क्यू आर है। अब 30 डिग्री के केस में अगर ये इस तरीके से है तो 90 डिग्री वाले केस में ऐसे चला जाएगा, ठीक है। तो इस भुजा को फिर इस भुजा से मिलाना पड़ेगा। तो आप ये बताइए कि ये देखिए, अब ये इनका आकार देखिए, ये इस तरीके से बना हुआ था, ठीक है, और ये इस तरीके से बना हुआ है, तो इनके आकार जो है, शेप जो है इनकी, ये बदल गई, और जैसे शेप बदल गई वैसा आपका समरूप तो बदल गया, समरूप तो नहीं अब ये, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा कि संगत कोण जो है बराबर होते हैं। संगत का मतलब पता लग गया, कोण क्यों बराबर होते हैं समरूप के लिए, ये भी आपको पता लग गया होगा कि जैसे ही हमने कोण बदल दिया इसकी आकृति जो है बदल गई, और जब आकृति बदल गई तो समरूपता बदल गई, ठीक है। एक दूसरी बात इसमें और है कि जो संगत भुजाएं होती हैं वो भी एक ही अनुपात में होती है, ठीक है। जैसे कि मतलब इसमें जो है आकार जो है, आकृति बराबर हो सही है, आकार हो या ना हो उसकी बात नहीं है, कि अभी जैसे ये छह की है आपकी, ये छह की है, और जो है ये सामने वाली भुजा तो तीन की है, ठीक है, तो भुजा तो बराबर नहीं हुई ना, मतलब आकार में तो बराबर नहीं है, लेकिन हमने क्या देखा कि 6/3 अगर हम करते हैं, मतलब इन सब भुजाओं का आपस में संगत भुजाओं का अगर हम अनुपात लेते हैं वो आपका समान आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम देखते हैं संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब ए बी की संगत क्या है, पी क्यू है, तो अगर हम ए बी बटे पी क्यू करेंगे, ठीक है, वो बराबर आना चाहिए किसके, ये ए सी, ए सी की संगत क्या है, पी आर होगी, ए सी बटे पी आर के, और वो बराबर किसके होनी चाहिए, ये बी सी बटे क्या होनी चाहिए, क्यू आर के, बी सी बटे क्यू आर के। अब आप करके देख लीजिए कि 6, क्योंकि ए बी क्या है, 6 है, तो 6/3 होगा, ठीक है, तो 6/3 क्या आएगा, 2 आ जाएगा बराबर, और ठीक है ना, 6/3 जो होगा आप यहाँ से देखिए, 6/3 होगा वो बराबर आएगा किसके। अब हम बात करते हैं ए सी बटा पी आर, ये क्या है, 7/3, ठीक है, ये बराबर आना चाहिए किसके, बी सी बटा क्यू आर, मतलब 8/4 के। आप ये देख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, कि 6/3, 3 × 6 आ गया, और ये 3/5 और ये 7, 3.5 × 2 करेंगे तो 7, 7 आ जाएगा,
तो 2 आ जाएगा यहाँ पे भी, और 4 दूनी 8 आ जाएगा। इसका मतलब आपका क्या है कि यहाँ पर जो अनुपात है भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात जो है वो क्या बराबर होते हैं। तो आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी समरूप के लिए क्या क्या होना चाहिए जरूरी। तो हमें जो है संगत कोण बराबर होने चाहिए, और साथ ही उसकी जो भुजाओं का अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात, वो भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, भुजाओं का अनुपात, भुजाएं बराबर हो तो वो बात अलग है, वो सर्वांगसम भी होगा फिर और ये समरूप भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या है यहाँ पे जो इन भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पे भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या था, बराबर है, तो हमने कह दिया ये समरूप हो गए। ठीक है, और आप एक चीज और देख सकते हैं इसमें, समरूप वाली स्थिति में जो आपका जो त्रिभुज होता है, कोई भी आकृति होगी, वो क्या होगी, उसके अंदर फिट हो जाएगी। ठीक है, समरूप वाली में सर्वांगसम अभी हम समझाएंगे, सर्वांगसम में वो पूरी ढक लेती है उसे। ठीक है, समरूप में अंदर फिट हो जाती है। जैसे अब ये आकृति है, ठीक है, ये क्या होगी, ये छोटी आकृति है, ये बड़ी आकृति है, तो ये इसके अंदर बिल्कुल क्या है, जो कि तो फिट हो जाएगी बिल्कुल, मतलब एक समान डिस्टेंस दूरी पर, मतलब जो है तीनों भुजाओं से दूरी समान होगी और ये फिट हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, यही इसकी समरूप त्रिभुज पता लगे। अब हम बात करते हैं इसके चिन्ह की, कि किस चिन्ह से हम समरूप त्रिभुज को जो है दिखाएंगे। ठीक है, कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप के लिए जो चिन्ह होता है वो ये होता है आपका। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये समरूप के लिए चिन्ह होता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कैसे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये लिखने का तरीका आपको आना चाहिए कि अगर ये त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी है वो समरूप है किसके, पी क्यू आर के, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे समरूप है, समरूप का साइन बनाया आपने, चिन्ह बनाया, और ये क्या होगा पी, ये त्रिभुज पी क्यू आर के, इसको हमें ऐसे लिखना है। ठीक है, या फिर देखो जहां से इसका शुरू किया आपने, हमने यहां से शुरू किया था ए बी सी, तो हमने यहीं से दूसरे वाले का शुरू किया पी क्यू आर। अगर आप शुरू करते हैं यहां से बी ए सी से, तो हम क्या लिखेंगे क्यू पी आर। ठीक है, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज बी ए सी जो है वो समरूप है किसके, क्यू पी आर के, क्यू पी आर। क्लियर है इतनी बात, क्यू पी आर दिख रहा है, हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं क्यू पी आर की। ठीक है, तो ये समरूप है। अगर आप ऐसे लिखना लिख दो कि ए बी सी जो है, अगर हमने इस वाले त्रिभुज का क्रम तो ऐसे लिखा कि त्रिभुज ए बी सी जो है उसको लिख दिया बराबर क्यू पी आर के, तो ये गलत माना जाएगा आपका। ठीक है, लिखने का तरीका इसमें यही है कि इधर ए लिया पहले तो इधर भी पी लेंगे पहले, इधर बी लिया फिर तो इधर क्यू लेंगे, फिर इधर सी तो इधर आर। देख लीजिए, ए लिया तो पी, बी लिया तो क्यू, सी लिया आर। अगर बी लिया इधर पहले तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्यू आना चाहिए। तो लिखने का तरीका ये है। ठीक है, तो चिन्ह भी पता लग गया आपको, ये भी पता लग गया आपको। ठीक है, दोनों बातें भी पता लगी, संगत कोण बराबर वाली और संगत भुजाएं एक अनुपात में होती है। ठीक है, अब आप एक डायग्राम और बनाया है चित्र यहाँ पे कि जो समरूप नहीं है, आप यहाँ देख लीजिए यहाँ पर क्या है, कोण बदल गए, ये कोण अलग दिख रहा है, ये कोण अलग दिख रहा है आपको, और ये आपका अलग है। ठीक है, तो कोण अलग होने से आपने, जैसे मैंने वहां पे भी एग्जांपल में बता दिया था ये वाला। ठीक है, अब देखिए ये त्रिभुज आकृति सेम में दिख रहे हैं, मतलब समान आकृति के दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी, साथ ही इनमें भुजाओं का अनुपात भी समान नहीं है। अगर आप करके देखेंगे 8/4 तो 2 आ जाएगा, 6/10 अलग आएगा, 7/8 अलग आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो हमने देख लिया। अब अगर हमें कोई कहे कि त्रिभुज की समरूपता सिद्ध करो, कोई भी दो त्रिभुज दे दिए, ठीक है, उसकी समरूपता सिद्ध कैसे होगी, उसके लिए तीन नियम हैं, ये आपको याद रखने हैं तीन नियम, कि एस एस एस, ठीक है, एस एस एस, और एक है एस ए एस, और एक है ए ए ए, जिसको हम क्या कहेंगे, जो पहले वाला है, ठीक है, सबसे पहले वाला एस एस एस, इसका मतलब है साइड साइड साइड, हिंदी में इसको कहेंगे भुजा भुजा भुजा, आप लेकर हिंदी में भी इसको एस 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 में ही लिखते हैं। ठीक है, तो भुजा 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 अगर हम बात करें, ठीक है, ये भुजा 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 होती है। ठीक है, तो ये त्रिभुज की समरूपता इस तरीके से सिद्ध होगी, भुजा 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 से, कैसे होगी भी हम बताते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है यहाँ पे, पहले इसी को देख लेते हैं कि भुजा 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 से कैसे सिद्ध होगी। इसमें भुजा 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 से ऐसे सिद्ध होगी कि किन्हीं भी तीन भुजाओं का अनुपात, जैसे ये पहली वाली इस भुजा का अनुपात इसके बराबर हुआ तो एक हो गया एस। ठीक है, दूसरे एस का मतलब क्या हुआ कि इस भुजा का अनुपात इस वाले के बराबर है, ठीक है, दो। और तीसरा क्या हुआ, इस वाली का इसके अनुपात के बराबर है, मतलब ये क्या हुआ, ए बी का अनुपात अगर पी क्यू के बराबर है तो एक भुजा वाली हो गई। ठीक है, दूसरे का मतलब ए सी का अनुपात जो है ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर बराबर हो गया, या बी सी बटा क्यू आर बराबर हो गया। तो ये भुजा 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 से सिद्ध हो जाएगा कि ये त्रिभुज जो है समरूप है। ठीक है, अगर क्या हुआ एस ए एस की अगर हम बात करें,
तो एस ए एस क्या होगा, एस का मतलब साइड, मतलब भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा मतलब क्या होगी कि एक तो कोण की बात हुई, मतलब कोई भी अगर जैसे कोई भी दो त्रिभुज है, जैसे दो त्रिभुज है अगर इनमें संगत कोण जो है कोई भी एक, क्योंकि एक ही बार की बात हो रही कोण, तो एक ही संगत कोण जैसे ये ए जो है अगर पी के बराबर हो गया तो एक बात हो गई, ठीक है। उसके साथ ये दोनों भी होनी चाहिए कंडीशन, कौन सी, दो भुजाओं के युग्म, मतलब एस का कोई भी एस ले लो, जैसे मतलब भुजा ले लो, कोई भी भुजा ले लो, जैसे ए बी ले ली तो ए बी बराबर हो जाए, ए बी का सॉरी ए बी का अनुपात, ए बी का अनुपात मतलब ए बी बटा जो पी क्यू है, ठीक है, ए बी बटा पी क्यू हो जाए बराबर किसके, ए सी बटा पी आर के, ठीक है। तो आपका क्या कह देंगे हम जो है भुजा कोण भुजा का, ये कह देंगे कि भुजा कोण भुजा से ये जो है समरूप है, ठीक है, कि ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाए ए सी बटा पी आर के, ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा क्या है यहाँ पे, ए ए ए कोण कोण कोण, ये तो वैसे भी बराबर होंगे क्योंकि हमने पहले कह दिया कि अगर कोण बदल दिया तो समरूपता बदल जाएगी, उनकी समरूप नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये जो तीनों कोण है यहाँ पे या क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर अगर है और ये कोण इस कोण के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो क्या है, समरूप है। तो हमने अच्छी तरह समरूपता समझ ली। तो समरूपता को अगर सिद्ध करना हो तीन कंडीशन है, ये कंडीशन चेंज नहीं होगी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते कि एस 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 ये ही होनी चाहिए, ये नहीं कि जैसे हमने एस 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 ए एस और ए ए ए, तो आप इसको ये नहीं कर सकते कि ए एस ए, ए एस ए वाली नहीं लगेगी इसमें, ठीक है, इसकी तीन ही लगेंगी। कहीं आप जो है ए एस ए कि दो तो कोण दिखा दो और एक भुजा का दिखा दो कि इस भुजा का अनुपात इसके बराबर है, ठीक है, तो आप कहोगे कि ये समरूप है, नहीं, आपकी ये तीन ही कंडीशन इसमें जो है स्थितियां लगनी है, एस 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 ए एस और ए ए ए, ठीक है, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा और कोण कोण कोण, ये समरूप के लिए है। अब हमने समरूप पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सर्वांगसम त्रिभुज। अब जो सर्वांगसम त्रिभुज की बात करते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो जो समरूप की स्थिति थी वो तो आप इसमें है ही कि आकृति तो समान होनी चाहिए, वो हम समरूप में भी लेते थे, लेकिन इसमें क्या आकार में भी समान होने चाहिए, अर्थात मतलब जो है भुजा अगर यहाँ पे पांच है इस वाली, ये ए बी अगर 5 सेंटीमीटर या 5 है जो भी कुछ है इसमें, ठीक है, यूनिट मतलब ए बी अगर 5 है तो ये पी क्यू भी क्या होनी चाहिए, 5 की होनी चाहिए, ठीक है, बी सी अगर 7 है तो क्यू आर भी 7 की होनी चाहिए, इसके संगत जो भुजा है, ठीक है, और अगर ए सी अगर आपकी 6 है तो पी आर जो है वो भी 6 की होनी चाहिए, अर्थात इनका जो आकार है वो समान होना चाहिए, ठीक है। और कोण, जैसे कोण तो पहले भी था, क्योंकि कोण से हमारी क्या होती है आकृति निश्चित रहती है, ठीक है, कोण समान होने से आकृति वही बनी रहेगी, ठीक है। तो कोण एक, कोण एक के बराबर, मतलब कोण जो बी है आपका, देखिए ये एक है, मतलब बी जो है वो क्यू के बराबर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ए बी जो है, ये देख लीजिए आप, ए बी जो है वो बराबर होगी किसके, पी क्यू के, एक बात आ गई क्लियर, ठीक है। ए सी जो है वो पी आर के बराबर होगी और जो बी सी है वो बराबर होगी किसके, क्यू आर के, ठीक है। और इसी तरीके से हम कोण की बात कर दें कि कोण ए जो है बराबर है कोण पी के, कोण बी जो होगा वो बराबर होगा कोण क्यू के और कोण सी जो होगा वो बराबर होगा कोण आर के, ठीक है। इसको हम पूरे नाम भी लिख सकते हैं कि बी ए सी कोने को, ठीक है। तो इसका मतलब जो है सर्वांगसम जो होगा, सर्वांग नाम से भी आप स्पष्ट कर सकते हैं, सर्वा सर्व का मतलब देखो, सर्वांगसम क्या है, ये देखिए आप, सर अंग सम, अगर इसको तीन भागों में तोड़ लिया सर्वांगसम को, सर्व का मतलब क्या होगा, सभी से, अंग, अंग का मतलब ये पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स क्या है इसके, भाई भुजा ही तो है इसके पार्ट्स जो है, ठीक है ना, त्रिभुज के जो पार्ट्स अगर हम बात कर लेते हैं तो वो क्या होते हैं, भुजा है, कोण है, यही तो इसके पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, ठीक है ना, अंग, तो ये क्या होंगे, पार्ट्स हो गए। और सम का मतलब यहाँ पे क्या है, समान से है, ठीक है, मतलब इसके सारे पार्ट्स जो है समान होने चाहिए, दो त्रिभुज कोई भी अगर हम ले लेते हैं उसको अगर हमें सर्वांगसम कहना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होंगे, इसके सारे पार्ट समान होने चाहिए, कोण कोण के बराबर होनी चाहिए और भुजा जो होंगी भुजा के बराबर होनी चाहिए, कोण का मतलब संगत कोण और भुजा का मतलब संगत भुजा, समान होनी चाहिए, ठीक है। आकृति समान, आकार समान, दोनों बातें समझ में आ गई होगी, आकृति का मतलब शेप, आकार का मतलब साइज, साइज किस पे डिपेंड करता है आपका, साइज आपका निर्भर करता है आपकी जो भुजाओं के जो नाप है ना ये, इस पे, और आकृति निर्भर आपकी करती है आपके कोण पर, ठीक है। तो ये पता लगे संगत कोण समान, भुजाओं की लंबाई समान, ये दोनों बातें इन्हीं से ली गई है, ठीक है, अलग अलग लिखी है, इन्हीं से ली गई है। अच्छा, इसका मतलब ये, जब ये दोनों आकृति आपकी समान हो गई बिल्कुल, आकृति में भी आकार में भी, तो आप ये कह सकते हो कि ये आकृति इसको क्या है, ढक लेती है बिल्कुल। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो कि कोई भी त्रिभुज अगर किसी को पूरा ढक लेगा, अब जैसे ये त्रिभुज क्या होगा भाई, जब दोनों समान हैं तो एक दूसरे को ढक लेंगे, मतलब इसके ऊपर अगर इसको रख दिया जाए तो ये पूरा का पूरा क्या कवर हो जाएगा, ठीक है, ढक लिया जाएगा।
तो यही बस इतना था, सर्वांगसम त्रिभुज अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, समरूप और सर्वांगसम में अंतर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बस यही अंतर है कि वो आकृति में समान होते हैं और ये किस में होते हैं, ये आकृति और आकार दोनों में समान होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं संकेत की या चिन्ह की, इसको किस चिन्ह से रिप्रेजेंट मतलब किससे दर्शाते हैं। तो उसका एक बराबर का साइन होता है, उसके ऊपर जो है समरूप वाला यही वाला साइन आ जाता है। ठीक है, बराबर के साइन के ऊपर उसको सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अभी हमने उसका लिखने का तरीका उसमें भी बताया था, क्या बताया था हमने कि ए बी सी जो है, जैसे ये होगा अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसे कैसे लिखेंगे, उसका भी एक तरीका है सेम कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। हम इस तरीके से तो लिख सकते हैं, ए के सामने अगर ए बी सी लिखा तो पी क्यू आर लिखेंगे, अगर हमने बी ए सी लिखा त्रिभुज बी ए सी मतलब बी को पहले लिखा तो यहाँ पे से इस वाले त्रिभुज में भी क्यू को पहले लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमने सी को पहले लिखा मतलब कि त्रिभुज अगर हमने कहा सी ए बी वो सर्वांगसम है, किसके होंगे सर्वांगसम, आर, त्रिभुज में आर हो गया, फिर ए लिया था तो पी हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ये लिखने का तरीका है, ना कि ये लिखने का तरीका अगर आपने इसका तो ए बी सी ले लिया उसका आपने ले लिया आर पी क्यू, ये लिखने का तरीका नहीं है। ठीक है, अब हमने जैसे समरूप में आपको समरूप दो त्रिभुज को अगर समरूप सिद्ध करना हो तो उसके लिए क्या क्या चीज आवश्यकता होती है, क्या आवश्यकता होती है, तो हमने तीन बताई थी वहां पे भी कि एस एस एस, ठीक है, एस ए एस और ए ए ए, वहां पे वे तीन थी, यहाँ पे तीन क्या होंगी, एस एस एस, ठीक है, सर्वांगसमता सिद्ध करने के लिए एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, ये दो तो उन दोनों में मतलब वहां पे तो ये भुजाओं का अनुपात होता था। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये क्या है, भुजा भुजा भुजा, ठीक है, ये क्या होगी, भुजा कोण भुजा, ठीक है, ये क्या होगी, कोण भुजा कोण। ठीक है, तो अब जैसे वहां पे क्या था, ये अनुपात था भुजा का, ठीक है, कि ए बी बटा पी क्यू था, लेकिन यहाँ पे क्या है, भुजा 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 का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हमने किसी भी त्रिभुज की तीन संगत भुजाओं को बराबर कर दिया, ठीक है ना, तो आपका क्या है, ये इस वाली प्रॉपर्टी से आप कह सकते हैं, इस वाली उससे जो है एस 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 सर्वांगसमता से ये त्रिभुज जो है सिद्ध हुए सर्वांगसम है। ठीक है, कैसे, कि ए बी अगर हमने ये दो त्रिभुज ही देखते रहना, आप इसको देखिए, आप पहले वाली बता रहा हूँ मैं इसमें कि एस 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 वाले केस में अगर आपकी ए बी जो है बराबर है किसके, पी क्यू के, कितनी है, पाँच के बराबर है, तो ये ठीक है, एक बात हो गई, एक भुजा हो गई। दूसरी भुजा का हम देखते हैं कि बी सी, बी सी बराबर है क्यू आर के और वो बराबर है सात के, दोनों बराबर होगी ये भी। ठीक है, तीसरी क्या है, ए सी बराबर हो गई पी आर के, बराबर है किसके, छः के। तो आप कह सकते हैं कि एस 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 सर्वांगसमता से जो ये त्रिभुज हैं दोनों के दोनों क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि ये दोनों के दोनों सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है इंग्लिश में। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करते हैं एस ए एस की, तो ये तो तीनों बात पता लगी, एस 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 वाली, ठीक है, भुजा भुजा भुजा, अगर एस ए एस मतलब भुजा कोण भुजा से सिद्ध करना हो कि ये सर्वांगसम है, ठीक है, तो अगर आपको आपके जो है कोण ये बराबर है, सिर्फ आपकी दो भुजा बराबर मिल गई आपको किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, कि मतलब ए बी तो है, ये आप बात करें एस ए एस की, एस ए एस भुजा कोण भुजा, कोण भुजा, कि अगर त्रिभुज में ये कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण क्यू पी आर के, कोण क्यू पी आर के, वो किसी दूसरे त्रिभुज में कुछ भी हो सकता है, मतलब कितने भी बराबर हो, अगर सपोज करो ये आपका 30 डिग्री या 35 डिग्री कुछ भी है, ये दो तो कौन मतलब दोनों तो कौन बराबर हो गए, दो कौन बराबर हो गए, साथ ही दो भुजा हो गए ले लो बराबर, मतलब ए बी बराबर पी क्यू बराबर 5 और पी आर सॉरी ए सी बराबर पी आर बराबर कितना 6। तो यहाँ पे क्या है, ये एस है, भुजा की बात हुई, ये भी एस है, भुजा की बात हुई, ये क्या है, कौन है ए, तो आप कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगसम है, वो क्या है, सर्वांगसम है आपके किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, और किससे, एस ए एस से, या भुजा कोण भुजा, आप इस तरीके से लिखते हैं, भुजा कोण भुजा से। ठीक है, ये होगी, अब तीसरी क्या रहेगी, ए एस ए, तो ए एस ए में भी यही है सेम, ए एस ए, तो ये हो गया कोण भुजा कोण, अब क्या दो कोण लिख दीजिएगा आप, कोण भुजा कोण, कि अगर आपको किसी भी त्रिभुज में दो त्रिभुजों में दो तो कोण बराबर दिख रहे,
मतलब दो कोण, मतलब दो कोण का युग्म, मतलब जैसे एक कोण का युग्म तो ये हो गया संगत कोण की बात हो रही है, ये जो कोण की बात हो रही है संगत कोण की, भुजा की बात हो रही है संगत भुजा की, ठीक है। तो जैसे ये बराबर दिख रहे, ए बराबर पी के दिख रहा है या बी बराबर क्यू के दिख रहा है, तो दो तो ये लिख दीजिए कि कोण ए बराबर है कोण पी के और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और एक भुजा ले लीजिए, ठीक है। कोण दो कोण हो गए, एक भुजा ले लीजिए, मतलब ए बी बराबर ले लीजिए पी क्यू के, ए बी बराबर पी क्यू के है। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे, किससे, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे इसमें सर्वांग समता का ये भी लग गया है आपका, कि किस तरीके से जो है दो त्रिभुज को हम सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।